कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर से जहां कई संगठनों ने किसानों का समर्थन किया है, वहीं आम आदमी से लेकर कई बॉलीवुड हस्तियां भी किसानों के लिए आवाज उठा चुकी हैं। इसी कड़ी में अब पंजाब के अस्पतालों के डॉक्टरों का नाम भी जुड़ गया। किसानों का सपोर्ट करने के लिए पंजाब के अस्पतालों से डॉक्टर और नर्सिस समेत पूरी मेडिकल टीम सिंघू बॉर्डर पहुंची। लुधियाना के एक अस्पताल की नर्स ने किसानों को पूरी तरह से मदद देने की बात कही। साथ ही उनका कहना है कि सरकार को किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। हम तो है ही हेल्थ वर्कर, सबके लिए रेडी हैं। किसी को हमारी हेल्प की जरूरत हो एनी टाइम। इशू होना था पहले ही हो जाता इतनी देर पहले। अगर इतना इशू होता तो गवर्नमेंट को चाहिए था वो लॉकडाउन ओपन ही ना करते। ओपन किया, यूपी में वोट्स हुए, गुजरात में रैलियां हुई, मोदी जी जा रहे हैं, सब लोग रैलियां कर रहे हैं, वोट्स डाल रहे हैं, सब कुछ हुआ है वहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या कोविड होगा? हमारे लोग तो सब फ्री घूम रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया। मैं तो हॉस्पिटल की वजह से लगा के बैठ जाती हूँ क्योंकि हैबिचुअल हो चुकी हूँ। मैं तो एक स्टेप आगे हूँ। अगर वो अभी भी उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं तब भी रेडी हूँ। जब से हम पंजाब में थे तब से हम ये चीज़ देख रहे हैं। हमारा बहुत मन था कि हम भी वहाँ पे जाएं, ठीक है? तो हमें टाइम मिला, जब हमें वहाँ से छुट्टी मिली तो हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आके लगता है कि यहाँ पे पंजाब बस रहा है, ठीक है? और अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेडिकल टीम, हमारे कॉलेज की टीम इनके लिए हमेशा अवेलेबल है। हम एक स्टेप आगे खड़े रहेंगे इनके हेल्प करने के लिए। और जो अगर हमारी जो मांगे हैं, अगर ये मोदी सरकार मान लेती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कुछ अलग नहीं मांग रहे, जो हमारा है हम वही मांग रहे हैं। अगर वो दे देंगे तो हम उनके बहुत ही धन्यवादी होंगे। आपको बता दें, आज किसान इस आंदोलन के दौरान किसी न किसी वजह से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के तहत पंजाब के गाँव में 20 दिसंबर से आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद लोगों का समर्थन जुटाने के लिए 21, 22 और 23 दिसंबर को पंजाब में रैलियां निकाली जानी हैं। बहरहाल, इसे लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अरे, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।